नमस्कार दोस्तों, मैं विनय मंडारी। देखिए, एक एल्गो टेस्ट करके दिखाएंगे हम आपको। निफ्टी के ऊपर एल्गो रहेगा, उसमें क्या रेशियो रहता है वो एक बार चेक करिएगा। देखिए, मैंने ये दो मूविंग एवरेज लगा रखे हैं यहाँ पर। ये जो मूविंग एवरेज है, पहले आप पूरा समझ लीजिए किस तरह से एक सिंपल से एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और जिसे हमने एल्गो पर रन करना है, और उसमें देखेंगे फिर क्या हमारा प्रॉफिट क्या लॉस रहता है। निफ्टी के ऊपर काम करना है हमने। ये देखिए, मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है यहाँ पर, आपको सामने दिख रहा होगा इधर। ये देखिए, ये ब्लू लाइन जो है ये हमारा मूविंग एवरेज 10 क्या है, मूविंग एवरेज 10 है ब्लू लाइन, और ये जो रेड लाइन है ये है मूविंग एवरेज 20। सही है, ये मूविंग एवरेज 10 और ये मूविंग एवरेज 20। अब हमने ट्रेड कैसे लेना है, ये ट्रेड 15 मिनट के हम टाइम फ्रेम पे लगा रहे हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने ट्रेड लेना है। इसमें ये ब्लू लाइन जब भी मूविंग एवरेज 10 मतलब ये मूविंग एवरेज 10 जब भी 20 को ऊपर क्रॉस करेगा तो हमने बाय करके काम करना है। जहां भी ये क्रॉस करेगा वहां हमने बाय करना है। यहां क्रॉस करा तो बाय, सही है। अब यहां आप देखेंगे और कहां क्रॉस करा है, यहां यहां क्रॉस करा है तो यहां बाय, इसके पहले यहां क्रॉस करा है तो यहां बाय, हमने बाय करके काम करना है जब भी ये मूविंग एवरेज 10 20 को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा। सही, स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे पहले ये समझना कि हमने बाय कब करना है। हमने बाय करना है जब भी ये मूविंग एवरेज 10 है, ये मूविंग एवरेज 20 को क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, तब हमने बाय करना है। सही है, निफ्टी को हमने बाय करना है इस कंडीशन में, मूविंग एवरेज 10 मूविंग एवरेज 20 को जो ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा। अच्छा, ये बाय कंडीशन से हमने एग्जिट कब होना है, ये चीज भी मैं बताता हूं आपको। जब हमारा MA 10 मूविंग एवरेज 10 मूविंग एवरेज 20 को नीचे की तरफ क्रॉस कर देगा तो हम एग्जिट ले लेंगे। मींस यहां हमने बाय करा है तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जिट हो गया। यहां हमने एग्जिट ले लिया, यहां हमने बाय करा था तो ये हमारा एग्जिट हो गया, यहां हमने बाय करा तो ये हमारा एग्जिट हो गया। से अब देखिए, ये तो क्या है, सामने आप देख के भी ट्रेड ले सकते हैं, आपके सामने दिख रहा है आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर इसे पूरा हम एल्गो के ऊपर रन करें, अगर ये स्ट्रेटजी को हम एल्गो के ऊपर रन करें तो उसका क्या सक्सेस रेशियो बनता है वो हम एक बार देखेंगे कि क्या सक्सेस रेशियो बनेगा अगर ये स्ट्रेटजी को हम एल्गो के ऊपर रन करते हैं। तो हमने बाय कब करना है, एग्जिट कब करना है, आप लोग समझ गए। कुछ आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा तो मैं वहां पर भी क्लियर कर दूंगा आपको। कुछ भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था इसमें, ओके। तो अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ जिसमें हमने ये एल्गो रन करना है। इसे मैं डिलीट कर लेता हूं, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा इसका, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसे मैंने डिलीट कर दिया। अब ये देखिए, ये आ गया मैं, ये स्ट्रीक का प्लेटफॉर्म है। ये आप अपने ब्रोकर के साथ, आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर देगा, जो भी आपका ब्रोकर है उनके थ्रू आपको मिल जाएगा। सही है, तो ये प्लेटफॉर्म में अब हमने स्ट्रेटजी बनानी है। तो सबसे पहले चलो मैं क्रिएट पे आ जाता हूँ, क्रिएट करेंगे सबसे पहले हम स्ट्रेटजी। वैसे मैंने क्रिएट कर रखी है लेकिन फिर भी हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने डालना है निफ्टी फ्यूचर, ये निफ्टी फ्यूचर हम ले रहे हैं सितंबर का। सही है, एक घंटे का हम टाइम फ्रेम नहीं लेंगे, हम लेंगे 15 मिनट का। सही है, बाय करना है हमने, बाय एक लॉट। सही है, एक ही लॉट बाय करके काम करके देखेंगे। कंडीशन एंट्री, हमने ट्रेड कब लेना है उसकी एंट्री हमने डालनी है यहाँ पर, मूविंग एवरेज। सही है, मूविंग एवरेज हमने क्या लेना है, 10 10 जब सिंपल मूविंग एवरेज लेना है, क्रॉस करेगा अबव किसे, मूविंग एवरेज 20 को। सही है, मूविंग एवरेज 10 मूविंग एवरेज 20 को ऊपर क्रॉस करेगा तब हमने क्या करना है, बाय करना है। और ये आ गई नीचे एग्जिट की पोजीशन। इसमें और भी हम कंडीशन ऐड कर सकते हैं, कुछ और भी हमारे पास अगर कुछ है हमारे इंडिकेटर तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिंपल अभी मैं आपको केवल यही दिखा रहा हूँ। मूविंग एवरेज 10 अगर 20 के ऊपर क्रॉस करता है तो क्या पोजीशन बनती है, एग्जिट करने की हमारी कंडीशन क्या है, मूविंग एवरेज 10 क्रॉसेस बिलो मूविंग एवरेज 20, जब 20 को नीचे की तरफ क्रॉस कर देगा तो उस केस में हमने एग्जिट ले लेना है। इसमें से स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं स्टॉप लॉस, हम ऐसा स्टॉप लॉस रखेंगे कि वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हो, तो हम 50-50% रख देते हैं। ना तो 50% निफ्टी चलने वाला है ना ही 50% स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। तो ये हमने अपना बना लिया एक ट्रेड।
ये क्या है, एक एल्गो बना लिया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम काम कर रहे हैं। एडवांसेस में चले जाएंगे अब यहाँ पर, ये हम चेक करेंगे कब से, अभी तो सितंबर की एक्सपायरी चल रही है तो हम अगस्त से चेक कर लेते हैं। चलिए अगस्त से, अगस्त अगर 1 तारीख, 1 अगस्त से हम ट्रेड लेते अब तक तो क्या होता, टाइम जो है हम सुबह तो नहीं ले सकते एकदम ट्रेड, हम लेंगे 9:30 बजे से, 9:30 से अगर हम ट्रेड लेते हैं इसे, और ये टाइम रहेगा हमारा, ये रहेगा 3 बजे तक हम काम करेंगे। चलो तो ये 3:15 भी कर सकते हैं या फिर 3 बजे तक भी कर सकते हैं, चाहे तो जो मर्जी 3:15 कर लेते हैं। अगर हम 9:30 से काम शुरू करते हैं अपना ट्रेडिंग, सुबह 9:15 बजे से नहीं कर रहे, 9:30 से करते हैं 3:15 तक, सही, ये हमने क्या लिया, टाइम ले लिया कि हम सुबह 9:30 बजे से 3:30 3:15 तक हमने ट्रेड लेना है, सही, ये समझ में आया। यहाँ पर हमने निफ्टी फ्यूचर ले लिया, एक लॉट बाय करेंगे, 10:20 को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो हमने बाय करना है, क्रॉस बिलो करेगा तो हमने सेल करना है, सेल मींस एग्जिट ले लेना है अपनी पोजीशन से, एग्जिट क्या कंडीशन है, शॉर्ट नहीं होगा यहाँ पर, एग्जिट हो जाएगा, सही। अब ये हमने 1 तारीख से, 1 अगस्त से लेकर 15 सितंबर, आज की तारीख तक का हम ट्रेड देखेंगे, 1 सितंबर से 15, 1 अगस्त से 15 सितंबर, सुबह 9:30 बजे से हम 9:15 पे ट्रेड ले रहे हैं, और MIS ऑर्डर नहीं लेंगे, हम लेंगे नॉर्मल CNC ले लेंगे, कैंडलस्टिक ले लेंगे, इसे स्ट्रेटेजी ग्राम कुछ भी डाल देंगे, यहाँ पर हम डाल देते हैं MA कर देते हैं, चलिए इसे, सही है। और इसका एक बार बैक टेस्ट कर लेते हैं पहले कि क्या रिजल्ट आता है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने बैक टेस्ट कर लिया इसका, यहाँ पर सामने हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हमारे को 7% के आसपास रिटर्न मिल जाता है अगर हम ये स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, एल्गो पे चलते हैं, तो 65,446 447 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा, 65,447। टोटल 10 सिग्नल हमें मिले, 10 सॉरी 20 सिग्नल हमें टोटल मिले हैं, जिसमें से 10 सिग्नल हमारे पॉजिटिव मतलब हमारे विन के सिग्नल है, हमें प्रॉफिट मिला है, 9 सिग्नल में हमें लॉस हुआ है, सही है, 10 सिग्नल हमें मिले हैं, 9 सिग्नल में लॉस हुआ है, 1 सिग्नल अभी रनिंग है, मतलब 10 मिले हैं, 1 में लॉस हुआ, मतलब 1 सिग्नल रनिंग है। अब इसमें क्लिक कर लेते हैं, ये देखिए, तो ये अब आप यहां भी देख लेते हैं, अच्छा यहां देखिए, आप ये देखिएगा, 20 सिग्नल, 10 पॉजिटिव, 9 नेगेटिव, मैक्सिमम गेन 21,542 रुपये हुआ है हमें इस स्ट्रेटजी में, मैक्सिमम लॉस अगर किसी ट्रेड में मैक्सिमम लॉस हुआ है तो वो कितना हुआ है, 3142, 3,142 रुपये का मैक्सिमम लॉस हुआ है इसमें हमें, मैक्सिमम प्रॉफिट 21,542, सही है। अच्छा अब ये देखिए, ये पीरियड में, ये 1 अगस्त से लेकर सितंबर तक का निफ्टी ने रिटर्न दिया है 10.21%, सही है, निफ्टी ने रिटर्न दिया 10.21%, लो ये था, हाई ये था, ये लो था, ये हाई था इस पीरियड का, हमारे को 7.50% मिला है, मतलब 65,000 के आसपास हमें मिला है, 7.50% रिटर्न मिला है। अब आपको ट्रांजेक्शन अगर चेक करें तो ट्रांजेक्शन डिटेल भी यहां पर मिल जाती है आपको, देखें हमने बाय करा था निफ्टी 15,945 में हमारा बाय हुआ था, 2 अगस्त के दिन 2 बजे, टाइम भी दिया है 2 बजे हमारा बाय हुआ था 15,945 में, जो हमारा बिका कितना 16,296 में सेल हो गया, तो यहाँ पे 17,000 हमें प्रॉफिट मिल गया, ये बाय हुआ और 4 तारीख को ही हमारा ये सेल हो गया, ये हमें प्रॉफिट हो गया। फिर हमारा नेक्स्ट ट्रेड हमें क्या मिला, 2 तारीख के बाद, 5 तारीख को, 5 तारीख को फिर हमें बाय का ट्रेड मिला है 16,330 में, 16,330 में, ये क्यूमुलेटिव P&L आ रहा है आपका, अब यहाँ पर क्या है, क्यूमुलेटिव P&L आ जाएगा आपका, सही है, 16,330 में बाय मिला, और 5 तारीख में जो बाय था वो 6 तारीख में हमें सेल मिला 16,308, मतलब यहाँ पे हमें लॉस हो गया कितने पॉइंट का, 22 पॉइंट्स का लॉस, तो ये हमारा जो प्रॉफिट था उसमें से माइनस हो गया 16,455, ये प्रॉफिट था, अब इतना ही बचा प्रॉफिट, हमारा यहाँ पे नुकसान हो गया कितने, 22 पॉइंट का नुकसान, प्रॉफिट कितना पॉइंट मिला आप यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट कितना अच्छा मिला, नुकसान 22 पॉइंट का, ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब देखो 6 तारीख के बाद हमें कुछ ट्रेड नहीं मिला है, 9 तारीख को ट्रेड मिला है, 9 तारीख को जो हमें ट्रेड मिला है वो मिला है 360 पे, 16,360 पे बाय मिला, जो हमें एग्जिट मिला, फिर 9 तारीख को एग्जिट मिल गया 16,297, देखो ये भी नुकसान में गया हमारा ट्रेड, तो हमारा जो प्रॉफिट था वो और कम हो गया, 13,000 का प्रॉफिट हो गया, सही है। अब 10 तारीख को फिर ट्रेड मिला हमें, जो मिला 16,349 में,
16,349 में जो बाय हुआ वो हमारा एग्जिट 10 तारीख में ही एग्जिट हो गया 16,295 में, यहाँ फिर लॉस हो गया हमें, सही है। तो यहाँ हमारा फिर लॉस माइनस हो गया, हमारा जो प्रॉफिट 17,000 हुआ था वो 10,597 ही बचा, सही है। फिर 11 तारीख को हम देखेंगे तो फिर हमें बाय का ट्रेड मिला 16,305 में, और ये जो बाय मिला था 305 में वो हमारा 11 17 तारीख को सेल हुआ है। देखो हमारे को ये जो 11 तारीख में बाय मिला वो 17 तारीख को हमें सेल मिला 16,592। अब प्रॉफिट देखो कहाँ, हम 17,000 से 10,000 में आ गए थे, हमारा करीब 7,000 के आसपास लॉस हो गया था, फिर रिकवर करके 24,937 पहुंच गए। समझ रहे हैं कितना अच्छा हमें प्रॉफिट मिला इस ट्रेड में। यहाँ पर 11 तारीख का बाय करा हुआ, 17 में हमें सेल मिला, फिर 17 तारीख को फिर से हमें बाय का सिग्नल मिला 16,636 में, 16,636 में बाय मिला, वो 18 तारीख को सेल हुआ 16,612। देखो अब ये लॉस देखो कितना कम पॉइंट्स का हो रहा है, प्रॉफिट कितने ज्यादा पॉइंट्स का हो रहा है। समझ रहे हैं इस स्ट्रेटजी को, लॉस कितने कम पॉइंट्स का हो रहा है, प्रॉफिट कितने ज्यादा पॉइंट्स का हो रहा है। अब 20 तारीख को फिर हमें ट्रेड मिला है यहाँ पर 494 में, 504 511 में सेल हुआ, ये प्रॉफिट मिला। ऐसे ही आप देखेंगे पूरा, एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ मैं ऐसे करके थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कहाँ पर हमें बाय का ट्रेड मिला, ये बाय मिला ये सेल मिला, देखो कितना अच्छा 33,000 प्रॉफिट। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर देखो कितना अच्छा प्रॉफिट है, 16,685 में बाय मिला, 17,115 में सेल मिला, 52,000 का प्रॉफिट। प्लस माइनस होते 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 अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम एक बार 64,000 भी चले गए थे प्रॉफिट में, 64,600। फिर अभी आप देखेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, 60,885, ये हमें प्रॉफिट है 14 तारीख तक, 14 तारीख, 14 तारीख तक। अब देखिए 15 तारीख को आज हमें ये बाई का एक सिग्नल मिला है 443 में, 17,443 में बाई मिला है, और ये कम से कम मेरे ख्याल से 80-90 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, तो यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट मिल ही रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक 4,000 के आसपास हमें प्रॉफिट मिल ही रहा है, तो ये जो प्रॉफिट है और बढ़ गया है, लेकिन अभी तक एग्जिट नहीं मिला है इसलिए हमें सेल नहीं मिला है। जब एग्जिट का सिग्नल मिलेगा हमें, एग्जिट का सिग्नल कौन सा, जो मैंने आपको यहां बताया, ये जब हमें नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो एग्जिट मिल जाएगा। अभी ये इस तरह से चल रहा है, आपके सामने दिख रहा है, जब भी ये ब्लू लाइन नीचे को रेड को नीचे क्रॉस करेगी तो हमारा यहाँ पर सेल का सिग्नल हमें मिल जाएगा, जो ऑटोमेटिक हमारे मोबाइल पर सिग्नल हमें आ जाता है बाय और सेल का, हमने एग्जिट ले लेना है। समझ गए ट्रेड्स कितने मिले हमें टोटल, आपने देखा 20 ट्रेड्स हमें मिले हैं जिसमें से 10 ट्रेड हमारे प्रॉफिट के, 9 ट्रेड लॉस के हैं। लॉस हमारा मैक्सिमम 3,145 हुआ है, प्रॉफिट 21,542 हुआ है, सही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप सीखना चाहते हैं एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। देखिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे ही, और उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।